ससुर जी फोन कर रहे हैं सासू माँ को। तेरे लिए एवरीथिंग इज अलाउड, एनी स्टाइल इज ओके फॉर यू। ठीक है, देयर्स जस्ट नो अदर ऑप्शन बिकॉज़ इट्स सो कोल्ड दैट इट्स जस्ट फॉर माय प्रोटेक्शन। चल चल फटाक से लवाई लेट जाए। चल गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तुम भी सोच रहे हो कि भाई ये इतने गर्म कपड़े क्यों पहन लिए? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। अरे मतलब थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, लेकिन वहाँ का मसला ऐसा है, लेकिन यहाँ पे भी मसला बहुत ठंडा हो गया है लंदन में। जिंगल बेल वाला मसला हो गया भाई यहाँ पे, बहुत तगड़ी ठंड हो गई है। Yeah, I just need to check few things. Okay. Yeah, if everything is closed, can you use the bin in meantime? कचरा पहले क्यों नहीं करते हैं सलवे? Why I have to do कचरा always when we are leaving? No, when we are leaving then only I have to do कचरा. So when you will do? कचरा सेट हो गया, मैं कचरा सेट हो गया। चला इतने अच्छे कपड़े पहनो और ऐसी ट्रीट में होती है कचरा। चलो दिखाता हूँ तुमको बाहर, स्नो भी दिखाता हूँ। अरे बाप अरे बाप, प्रॉपर जिंगल बेल हो गया भाई यहाँ तो। सुबह के 5 बजे हो गए भाई, पर ठंड इतनी लग नहीं रही है। जब बर्फ गिर जाती है ना उसके बाद ज़्यादा ठंड नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तुम लोग भी सोच रहे होगे कि भाई मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि यहाँ पे बर्फ़ गिरती नहीं है दिसंबर में। भाई कसम से भाई, लास्ट ईयर तो नहीं गिरी थी, उससे पहले भी दिसंबर में तो बर्फ़ गिरती नहीं थी, जनवरी फरवरी में अचानक से बर्फ़ गिरती थी। तो कुछ रेयर ही हुआ है भाई अभी। I couldn't sleep because of you. अबे चल। The guy was snoring so much. Like, I was like, people, please, today you don't snore so we can sleep. And he was like, okay. I'm like, I don't think this is not snoring. भाई खरांटे पे किसका कंट्रोल है भाई? किसी का कंट्रोल होता है खरांटे पे? आ जाते भाई, क्या करे आदमी, जब थकावट होती है तो आ जाते हैं। ओ भाई कैसे लेके जाए उसे लिए? लगेज लेना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चला चला कुछ रोलर का कोई काम नहीं है भाई यहाँ पे। अभी तक जितनी भी फ्लाइट्स देखी हैं हमने वो कैंसिल हो गई हैं, होपफुली, बिकॉज आज स्नो की इतनी प्रेडिक्शन है नहीं। तो हमारी फ्लाइट 8:30 की है सुबह की, तो होपफुली हमारी मतलब तब तक टारमैक मेल्ट हो जाए स्नो। अभी तो जितने भी देख रहे हैं हम सुबह 5 बजे 6 बजे वाली सारी फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं, तो लेट्स होप ना हो कैंसल। सिल्विया जी, व्हाट्स द व्लॉग अबाउट टुडे? द व्लॉग इज अबाउट अस ट्रैवलिंग इन दिस एक्सट्रीम कंडीशन। व्हाट्स द पर्पस? द पर्पस, वी आर गोइंग टू सरप्राइज माय मॉम। ये सासू माँ का सरप्राइज देना है, बताओ। Also, her birthday is coming soon, so she's, you know, not expecting us to come. Because we told her, you know, Christmas time will be difficult because tickets are expensive. But yeah, here we come. ये सासू माँ को हमने बोल दिया था कि इस बार नहीं आ पाएंगे क्रिसमस पे, तो she was a bit like, you know, upset. हमने कहा, what the heck, man? Family के लिए तो जीते हैं हम लोग, तो कहा book करते हैं चलो। तो यू नो, मैं भी काफ़ी टाइम से क्रिसमस टाइम पे पोलैंड नहीं गया हूँ, तो इट विल बी नाइस, और तुम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि असली क्रिसमस कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो क्रिसमस वाली वाइब नहीं आती इतनी। अनलेस अगर आप सेंट्रल लंदन जाओ तो वहाँ पे वो थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग देख लो। तो हाँ, मतलब पोलैंड में तो वहाँ एकदम प्रॉपर क्रिसमस ही वाइब्स होती हैं, और वहाँ टेम्परेचर जो है वो यहाँ से डबल माइनस में है। वो सर टेम्परेचर इन पोलैंड राइट नाउ -7 or something. Yeah, I think tomorrow is going to be -12. -12. Aila. Wo thand pasand hai, but itni pasand nahi ki itna minus mein nahi pasand hai. I spoke to papa and he's like, fireplace is ready. It's going to be warm inside the house. Ghar ke andar to bahut bhatti hoti hai andar. Chalo, chalo. 5 more minutes, hai? 5 more minutes. Bhai, tum log soch rahe hoge ki Meru bhai itne chindi kyun ho, Uber kyun nahi ki?
Uber from our house to Luton Airport costs us around £60, 6,000 rupees. Bus will cost us 600-700 rupees. Yeah, so 600-700 rupees mein kaam. And the best part about this bus is, ये हमारे घर के बहुत पास है और सीधा एयरपोर्ट के मतलब जो टर्मिनल है ना उसके गेट के सामने रुकती है. तो भाई कोई पागल ही होगा जो नहीं करेगा ऐसा. लोग करते होंगे भाई इस वेदर में, बट भाई ठीक है, थोड़ा सा ही तो चलना पड़ा तुम्हारे भाई को. तो ये 5,000 रुपये काम आ जाएगा ना भाई, समझ रहे हो. अब तो बाय द वे का सीज़न है भाई, पूरा टल्ली होने भाई पोलैंड में. अब तो लग रहा है गलत टाइम भाई है आने का. यहाँ पे कंडक्टर वाला हिसाब नहीं होता, यहाँ पे ड्राइवर ही बेचारा यू नो कंडक्टर होता है, पैसे भी वही लेता है, गाड़ी भी वही चला रहा होता है. बट लंदन नेटवर्क पे ऐसा नहीं हुआ है. लंदन नेटवर्क में उन्होंने पैसे बंद कर दिए हैं, ये बाहर का नेटवर्क है तो यहाँ पे अभी भी पैसे चार्ज करते हैं. बिकॉज इट टेक्स सो मच टाइम कि भाई टिल भी तुम ऑपरेट करो, किसी के पास छुट्टा ना हो, यू नो वो सब बसूडी में काफ़ी डिले होते थे. लंदन में होता था पहले, बट लंदन में अब सिर्फ कार्ड और जो ऑयस्टर कार्ड है वही यूज़ होता है, अंदर वाले नेटवर्क थोड़ी दिक्कत है कि अभी से नींद आ रही तुमको. हंग्री ये देखो सुबह के 5 बजे कैसे भूख लग सकती है. चले देखो आओ के भी हंग्री एट 5 AM इन द मॉर्निंग. I think I ate like at 6 o'clock last night and I only had like salad. And now I'm just thinking I didn't have enough food. So I'm hungry. थोड़ी सी स्नो गिर रही है, इट्स स्नोइंग अगेन. तुझे लगता है फ्लाइट विल बी ऑन टाइम? आई होप दे डोंट कैंसिल इट. आई होप दे डोंट कैंसिल इट. इफ दे आर डिलेड आई डोंट माइंड, बट आई होप दे डोंट कैंसिल. इट्स क्रेजी इनसाइड. या वो इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है ना, अंदर तो भाई एकदम मछली बाजार होगा अभी. ओह या ये तो रेलवे स्टेशन है सिल्विया. कैंसिल फ्लाइट्स ऑल ओवर. एकदम क्योस हो गया एयरपोर्ट पे. सो आई डोंट नो कि हमारी फ्लाइट चलेगी कि नहीं. सब लोग बैठे हुए हैं. ओह डैम, मुझे लगता नहीं भाई हमारी फ्लाइट चलने वाली है. टर्न्स आउट जो ये क्यू थी ये रश वाली क्यू नहीं थी, ये थी जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई ना, तो सारे एकदम मतलब लाइन में लगे हुए हैं. तो भाई एकदम केओस हो रखा है. तो हमारी क्यू इतनी लंबी नहीं है, जो फ्लाइट्स अभी ऑन है अभी के लिए. तो फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली फ्लाइट यू नो ऑन टाइम रहे, कैंसिल ना हो जाए बस. भाई बहुत बसड़ हो गई यहाँ पे. बेसिकली जो नॉर्मल चेक इन्स हैं, बस जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई वो 5-6 घंटे से वेट कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल चेक इन में आ गए भाई. तो मतलब हैवी लड़ाई हो रही है. 5-6 घंटा कोई वेट करेगा तो भाई होगा भाई, दिक्कत तो होगी भाई. So I send it to you. Sir, please, you see what's going on? So same, look, all these people waiting here. Do you see what's going on? If you have any problems, test 30. भाई ये तो पूरा ल्यूटन एयरपोर्ट भाई बस अड्डा बन गया है. फ्लाइट का तो भाई मतलब व्हाट हैपेंड इज जस्ट क्रेजी है. तो पागलपन चल रहा है भाई यहाँ पे. लोग भाई लेटे हुए हैं भैया उधर नीचे. ये तो पूरा रेलवे स्टेशन बन गया भाई. भाई हम लोग क्यू के एकदम सामने थे भाई, तब भी 3 घंटे लग गए भाई. मिस हो गई भाई फ्लाइट, काम हो गया तमाम. ओह सिल्विया जी कुछ कहना चाहोगे? क्या हो रहा है? I will make some comment when I will be sitting on the plane. Yeah, चलो ठीक है, प्लेन में बताते हैं भाई क्या हो रहा है. क्या हो रहा है सब बताते भाई आराम से. तो भाई बेसिकली क्या हुआ, 7:55 गेट बंद हो रहे थे, 8 बज गए, हम लोग क्यू में ही थे, लगेज ड्रॉप नहीं हुआ. बंदों ने बोला ख़त्म, फ्लाइट ख़त्म, अब कुछ नहीं कर सकते आप, नई टिकट खरीदनी पड़ेगी आपको. तुम्हारा भाई गया कि काउंटरों पे जुगाड़ लगा के, फिर सुन रहे हैं कि लगेज जा रहा है अंदर, क्योंकि फ़्लाइट एक्चुअली डिलेज हो रही है हर जगह बिकॉज ऑफ स्नो. शॉर्ट स्टाफ क्या है भाई कुछ नहीं पता. एंड यू रिमेंबर जस्ट फ्यू डेज अगो वी वर लाइक ओह दिस एयरपोर्ट इन इंडिया, दे हैव सो मेनी पीपल, सो मच स्टाफ. मैं बोल रहा था इंडियन एयरपोर्ट खराब है, सो मच केओस भाई. यू नो व्हाट द थिंग इज,
हेयर इफ वन एलिमेंट ब्रेक्स डाउन यू फक्ड, मतलब पूरा सब सिस्टम. आज मैंने देखा भाई सिस्टम इतना ख़राब, क्यू व्यू कुछ नहीं आता भाई उस टाइम पे जब तुम्हारी फ्लाइट मिस होती है और स्टाफ से पूछो और स्टाफ कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मतलब हैवी प्रॉब्लम भाई. सिचुएशन देख लेते हैं, इतनी सर यार स्नो तो नहीं लग रही मेरे को कि भाई प्लेन उड़ नहीं पाएगा. काउंटर पे इतनी हल्ला गुल्ला लड़ाइयाँ भाई, लोग भाई एकदम भाई लड़ने पे आ गए थे. तो क्या बोलते हैं भाई, सारे पुलिस ऑफिसर्स काउंटर के साथ खड़े हुए हैं कि भाई कोई भसड़ ना, इतनी गंदी भसड़ होने वाली थी ना भाई आज, माँ कसम भाई मेरी भी लड़ाई हो गई थी काउंटर पर साला. बिल्कुल ही मतलब ना, चलो ठीक है भाई फ्लाइट कुछ गड़बड़ है तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं पता, भाई थोड़ी तमीज़ होती है बात करने की भाई. मेरे से तो नहीं कर रहा था वैसे ख़राब तरीके से बात, बट काफ़ी लोगों से भाई गंदी तरीके से बात तो कर ही रहा था भाई. बट यू नो स्ट्रेस जब आ जाता है ऐसे एकदम से, क्योंकि यूजुअली ऐसा एयरपोर्ट जो होता है नॉर्मल क्यू होती हैं यू नो 20-25 बंदों की, अब जब एकदम से भाई 100-100 लोग भाई चढ़ गए भाई क्या होगा हमारी फ़्लाइट का ये वो, तो दिक्कत तो हो जाएगी भाई. बट फिर भी भाई मतलब मैं अगर कस्टमर सर्विस में तो मैं फिर भी भाई बोलता भाई, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे वाले भी थे, बोले थे आई एम सो सॉरी आई विश मैं आपकी हेल्प कर सकूं बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. गेट आ गया भाई, गेट वन ये देखो भाई, कॉफियाँ भी आ गई भाई. इतना चेंज ऑफ इवेंट, ऐसा लक चेंज तो मैंने आज तक नहीं देखा कभी. अरे अब नहीं मिस होती, अब आगे गेट के अंदर गेट भी दौड़ना है, हो गया भाई प्लेन में जा रहे हैं भाई, दिल्ली से थे नोएडा से. सिल्विया जी क्या अपडेट है, व्हाट इज द अपडेट? अपडेट एंजॉयिंग माय कॉफी, आई विल हैव सम सैंडविच एंड क्रोसन इन अ सेकंड. आर वी फ्लाइंग? लाइफ इज गुड, वी डोंट नो अबाउट दैट, जस्ट एट लीस्ट वी आर हैविंग कॉफी बिकॉज़ इट्स कॉफी टाइम एनीवे, सो एट लीस्ट लेट्स हैव समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दिस सिचुएशन. व्हेन 9:30 से फ्लाइट अब 10:45 हो गई है, लेट होते जा रही है, बट हम तो बस दरवाजे गेट के सामने खड़े हुए हैं. तो आई होप कि कैंसिल ना हो बस, तो इस मीन यहाँ तक क्यों बुलाएंगे यार, लग तो रानी कैंसिल होगी. पूछा मैंने स्टाफ से, बट यू नेवर नो. मेरे हिसाब से द मेन इशू प्रॉब्ली वॉज कि टारमैक को क्लीन करने में ना सारी फ्लाइट्स डिले हो गई, क्योंकि जब स्नो गिरी थी शाम को सुबह के 4-5 बजे गिरी थी, तो सारा टारमैक पे ना एकदम स्नो कवर हो गया था. तो आई थिंक जस्ट टू क्लीन दैट एंड यू नो कीप द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन चेक, वो डिले हुआ तो उससे भाई सारा एकदम भवंडर मच गया भाई एयरपोर्ट पर. वहाँ कसम आज जाके समझ आया है भैया कि जब गलत होती है चीज़ यहाँ पे इस देश में तो ख़त्म भाई, मतलब सिस्टम ख़त्म हो गया था भाई पूरा. इंडिया तो मतलब बहुत अच्छा है यार इस मामले में कि केओस में भी काम हो जाता है, यहाँ काम नहीं होता भाई, नो नथिंग. और हमने अपना दिमाग नहीं लगाया होता है सिल्विया, अगर हमने अपना इफ़ वी हैड यू नो यूज आवर ब्रेन टू डू दैट लगेज चेक इन, तो हम तो सब लोग तो निकल गए थे बाहर एयरपोर्ट से, क्योंकि बेसिकली स्टाफ बोल रहा था खत्म, आप नहीं पहुंच पाए सॉरी. यू नो पीपल दैट डू चेक इन दे आर नॉट द वन दैट प्रोबब्ली हैव एनी लाइक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टू डू व्हेन योर फ्लाइट इज कैंसिल्ड, सो यू गो टू डिफरेंट लाइन. बट विद चेक इन पीपल भाई, चेक इन बंदों ने क्या बोला पता है, आप बैग चेक करने दे रहे हैं बट हमें नहीं पता कि फ्लाइट जाएगी कि नहीं, तो आप चेक इन करा लो. ऐसा कौन बोलता है भाई, हु सेज दैट? Still at the airport. Still at the airport. One more hour delay. वो टॉम हैंक्स की मूवी देखी किसी ने टर्मिनल, भाई वैसी वाली फीलिंग आ रही है भाई. 8:30 की 7:55 का डिपार्चर था एंड व्हाट्स द टाइम नाउ, 7:55 AM वाज द, भाई 11:30 हो गए और अभी 12:30 बजे एस्टिमेटेड है कि फ्लाई बोर्डिन है, तो पता नहीं भाई कितने घंटे यहाँ रहेंगे. ये अपना क्या है भाई, खाना वाना खा लिया, कहीं भी बैठ सकते हैं भाई, चाय दे दो हमको, थोड़ा खाना पीना दे दो तो बिठा दो भाई कहीं पे भी, कभी थकावट हो गई वाकई से. ये साला क्यू में जाते जाते एकदम ना, आई जस्ट होप दिस इज द लास्ट अपडेट, सीधा इसके बाद आई होप कि भाई फ्लाइट पे हम अपडेट दें आपको. हो गया भाई, अब बोरिंग कर दो भाई भगवान. ले तो अभी से योनिंग कर रही है. सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर. हमारे नहीं है सासू माँ के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है माँ कसम, ये सासू माँ तो पता ही नहीं है भाई बिल्कुल भी. वो ऑफिस में है, हैवी घर पे जाके एकदम प्रॉपर यू नो छुप के सरप्राइज देगी भाई, हैवी वाला हैवी सरप्राइज देगी. खेला हो गया सिल्विया. Very unlucky. Another weird thing has happened. So this is Wizz Air. So basically कह रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट जो है वो डाउनग्रेडेड हो गई है, मतलब सीटिंग कम हो गई है उसकी,
तो आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर कोई खाली सीट बचती, क्योंकि हमारी ना लास्ट में थी, 34 है हमारी, एंड उतने प्लेन में सीट्स नहीं है अपेरेंटली, तो वी हैव टू वेट। अगर ये नहीं हुई तो नेक्स्ट फ्लाइट में हमको जाना पड़ेगा। बहुत ही फक्ड अप सीन हो गया भाई यहाँ पे। सिल्विया, I'm too anxious to even make any comment. भाई और 33 सीट्स हैं और हमारा नंबर था 34, मतलब किस्मत एकदम क्या ही बोलूँ। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि किसी की फैमिली है, बिकॉज सीट्स ऑनलाइन बुक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एलोकेट होती है, तो मदर हैज़ कोई, किसी की माँ है वो पहले है, मतलब उसको सीट मिल गई, बेटे को नहीं मिली या भाई को नहीं मिली, एंड देयर सेइंग कि अगर आप फ्लाइट में नहीं बैठेंगे तो आपको नेक्स्ट फ्लाइट जो है देंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। तो भाई बहुत ही फक्ड अप सीन है भाई। भाई इन लोगों ने ऑक्शन कर दी सीट बेस्ड ऑन जिन्होंने ऑनलाइन सीक्वेंस नंबर चेक कराया था, और भाई हमारे लास्ट दो बच्चे थे भाई, 21 सीटें थी, 60 लोग थे भाई, लास्ट दो सीटें हमारी बची है भाई, पता भी नहीं था। पकड़ भाई प्लेन पकड़, अरे प्लेन पकड़ तू साला, अरे रुक जा, मां कसम भाई, अरे बाप रे बाप, अरे पकड़, अरे प्लेन पकड़। भाई सीट भी एलोकेट नहीं हुई है, कहीं पे भी बैठ जाओ, ये सिस्टम है भाई। अभी भाई मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इतने लकी हैं हम लोग कि भाई दो सीटें लास्ट की थी वो हमें एलोकेट हो गई। मुझे मेरे लक पे पूरा भरोसा है, यूजुअली मुझे पता था कि भाई नहीं हो सकता था ऐसा। पायलट ने भी कह दिया कि भाई हल्की सी स्नो आ गई इस देश में और तुम लोगों को परेशानी हो गई, एक्चुअली फ़्लाइट को अलाउ नहीं कर रहे थे एयरपोर्ट पे आना, मतलब वहाँ से लैंड करना ड्यू टू वेदर कंडीशन। तो पायलट वही कह रहा था, कहता पोलैंड में ऐसे इश्यूज नहीं होते हैं, हमको बहुत आदत है, इक्विप्ड है हम लोग, यू नो ऐसे लैंडिंग करने के लिए, ऐसे इश्यूज यही आते हैं लंदन में, यूके में। थोड़ी सी ले ली भाई पायलट ने। चलो ऑल इज़ वेल। सिल्विया के साथ नहीं बैठ पाया इस बार, सिल्विया लास्ट सीट पे बैठी हुई है, ठीक है भाई एटलीस्ट प्लेन में बैठ तो है। And the entire crew, thank you for flying with us. We hope you have enjoyed the flight with us, and we look forward to see you again in the nearest future. Plane बहुत तेज चलाया है बंदे ने, 2 घंटे हम बोले, 2.5 घंटे होता है usually. Dominic Kunda भाई, कजम driver है भाई. तो ब्रानोस. भाई यहाँ तो भाई -5 -7 है और 2-3 दिन से भाई बर्फ़ गिर रही है, लेकिन यहाँ देखो एयरपोर्ट पे लग ही नहीं रहा है, ल्यूटर में लग रहा है कि साला वहाँ सैलाब आ गया है बर्फ़ का। तो फाइनली पहुँच गए। सिल्विया जी, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? इट वाज हॉरिबल। सुबह की रात होगी वाकई में, एंड आई वाज फीलिंग सो एंग्शियस ऑन द प्लेन, लाइक इट वाज शेकिंग एंड वी कुडंट सी स्नो क्लाउड्स, या वी हैड टू गो थ्रू स्नो क्लाउड्स, या I'm really grateful that we were the last two that actually got boarded. Really, really good. Otherwise, I don't know if we would be able to fly today or ever. Yeah. But yeah, it was a very anxious, stressful experience. But finally, we are here. What they said to us at Luton Airport was that there was a problem with the aircraft, so they have sent a smaller aircraft. और यहाँ पे pilot हमारा बता रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था. He was like, no, it's yeah. just. A little bit of snow. Yeah, snow की वजह से they were not allowed to come in. तो उससे delay हो गया था बहुत ज़्यादा. तो ये असली कहानी थी. माँ कसम सीधा मुँह पे झूठ बोलते हैं भाई. लंदन में भी है. Oh, and a funny bit. They gave us complimentary glass चने, of water. हाँ, पानी और मूंगफली. Glass of water. क्या complimentary दिया भाई. And I got small chocolate. You got peanuts, yeah? हाँ, option दिया था. एक 10 रुपए वाली chocolate और एक peanut का. हमारे भाई ने तो पीनट ही लिया, दारू तो दे नहीं रहते, तो भाई पानी को दारू समझ के पी गया भाई. But okay, let's don't complain. We are really grateful we are here. हाँ भाई पहुँच गए, because I did not expect it. मैं तो हार मान ली थी पहले से ही कि नेक्स्ट डे जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, but finally we are here. तो चलो अब जैसी भी हालत में है, 8-10 घंटा 8-10 hours डिले, but still we are here. We made it. तो चलो अब सासू माँ, let's go find our bag.
भगवान आई होप द बैग इज हियर भाई बोरिंग कर दे भगवान प्लीज अब बोरिंग कर दे यस बिकॉज़ वी हैव गिफ्ट्स इन आवर बैग वहां सारे इंडिया के गिफ्ट भी वही हैं तो चलो भाई चलते हैं एंड देन सासू मां को सरप्राइज देते हैं शी इज स्टिल एट वर्क तो ससुर जी को तो पता है सब सासू मां को बिल्कुल नहीं पता तो चलो भाई चलो सेम प्रोटोकॉल ससुर जी का वेट कर रहे हैं भाई जेरीली ठंड हो रही है भाई क्रिसमस में ठंड ना हो तो भाई ऐसा मज़ा नहीं आता तभी लंदन में ना कभी कभी वो मस्ती कर नहीं पाते यार हम लोग बिकॉज वो क्रिसमस वाला फील जब तुम इमेजिन करते हो इंडिया में भी ना क्रिसमस ऐसे बर्फ़ बर्फ़ होनी चाहिए समझ रहे ऐसे इतनी एक एक फुट बर्फ समझ रहे हो अरे भाई साहब अरे भाई तो इसी से तो क्रिसमस का वो वाइब आती है ना सजाया भी अच्छा हुआ है यार काफी छोटा छोटा क्लासी क्लासी सा एयरपोर्ट बनाया हुआ है तो व्हाट्स हैपनिंग ही विल बी हियर इन लाइक 5 मिनट्स 5 मिनट्स या जहर जहर सो आई जस्ट टेल हिम एग्जैक्टली वेयर आर वी सो ससुर जी आल्सो डज द दिल्ली वाला सिस्टम दैट यू नो यू हैव लाइक 10 मिनट्स फ्री पार्किंग हियर मतलब आप 10 मिनट्स ड्रॉप ऑफ करके जा सकते हो फ्री तो ससुर जी इस मामले में ससुर जी मतलब भाई चुपचाप बाहर आ जाओ फोन करो आ जाऊंगा लेट मत करना इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट आगे आगे ससुर जी आगे Też jakaś tam babka kolejna popłakała, bo przyjaciel. भाई बर्फ देख रहे हो भाई इसे कहते हैं बर्फ ये एरिया तो बहुत ज्यादा ही बर्फीला हो गया है भाई तुम्हारा भाई तो शॉर्ट्स पे आने की सोच रहा था वेलकम होम तभी पोलैंड में यू नो मोस्टली लोगों के घर में गैराज होता है बिकॉज़ अच्छी खासी ठंड हो जाती है इवन इन प्लेसेस लाइक दिस ये माउंटेन्स में नहीं है बट स्टिल यहाँ पे भी आई थिंक राइट नाउ इट्स -7 -8 और जाएगा -10 -12 तक जाएगा That silence, you know, when it snows, after that it becomes so quiet. Because people are inside the door, nobody's on the road. So, so quiet. You wanted to show me something? Yeah. Chalo. Chalo, aisa kya dikha rahi hai, bhai? Look what I just seen. Kuch, Sasu maa ne kuch, some new shopping? So, I entered the house. Yeah. Come. And also, I want to put the light on. Look here. Ye kya hai? Is that Christmas Santa? अरे कितना क्यूट लग रहा है अरे कैसे हो अरे मुच्छड सिंह What is it? Elf? I think so. But this is so cute. तेरे से ज़्यादा क्यूट नहीं It's not more cute than you, Vivo. Hey, cutie. It is more cute than me. No, okay. Not. Oh, it's not. It's very cute. Cute. But what is sitting on the table? Bada garam hai. When you come to mother-in-law's house, what's the protocol? Fly with elf. No, Vipo. To say hi to the black commode. hey, jo log hamari series follow karte hain, wo to jante hi honge. to, kaise ho, kale commode? Are, mere cheete. Bada hi miss kara bhai tumko. What a day today, Sylvia, yaar. Hai, kaise aaye? Only we know, hai. So how do you want to surprise mother? What is he doing? I think he's shoveling a little bit of snow. Go help him. Huh? Go help him. How to help him? Put your shoes on. Tak. Przyszedł ci pomóc. A ty i kampy lagadio, a ino ino. So you need to do this space so mother can park here. Mother will park here, yeah? Yeah. So basically everything which is here you need to put on the side. भाई 9 hours we are like this standing come on यार ससुर जी फोन कर रहे हैं सासू माँ को पूछ रहे कहाँ हेलो खाने के लिए बन जाएँ नो चेस व सुमे तो यूज़ दोएज़ जाम जाके कुछ मिनट तक यार बंदा साइन मिनट का बन दबरा तो चकर ना चाहिए दबरा पा पा हो जी one minute चल चल बैग इस तरफ कर दे सिल्विया she doesn't know Hey. Yes, hello.
co to? Cześć, mamo! Co? Cześć! A co by tu robić? Egdom surprise, you know, egdom surprise. She's like, whose luggage is it? Many people say to us, you know, in the comments also, ki, why tum log itna Poland, India, why do you, you know, travel so much to India and Poland? Why our parents sent us abroad only with this condition, agar logon ko nahi pata hai ki we have to visit, I think every 4 months, 3 months, yehi ek condition thi. अगर यू नो आप बाहर पढ़ाई करना चाहते थे दोनों के लिए यही बोला हुआ था सो दैट्स व्हाई यू नो वी मेक इट अ पॉइंट कि हर टाइम यू नो मौका मिलता है तो इंडिया पोलैंड यही चलता रहता है बट दिस टाइम द पोलिश सीरीज इज़ गोना बी अमेजिंग बिकॉज वी हैव नॉट कम हियर फॉर दैट लॉन्ग ड्यूरिंग यू नो विंटरी टाइम क्रिसमस टाइम तो अब सारा क्रिसमस का मसला भी देखोगे भाई तुम लोग look how excited mother is thank you guys for watching I hope you really enjoyed the surprise and yeah it was so nice to see her so happy that obviously helped with the plan because he came to pick us from the airport yeah he was like a proper natural actor yes. हमें पता है इधर ससुर जी के अंदर इतना बड़ा एक्टर छुपा हुआ है देयर इज अ मैसिव एक्टर हिडन इनसाइड हिम ओह यस ही नोस हाउ टू कीप द सीक्रेट्स या ही डिडंट टेल हर एनीथिंग सो या वी होप यू एंजॉय टुडेस वीडियो एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आर कमिंग एंड नाउ यू नो इट्स विंटर टाइम हियर एंड देयर इज सो मच स्नो सो होपफुली वी विल बी एबल टू मेक समथिंग रियली स्नोवी रियली कोल्ड मेबी सम स्नोमैन And yeah, Christmas is also coming, so that's going to be fun. Lots of family time, lots of food. So yeah, stay with us to see what's coming along. तो चलो भाई अपना ख्याल रखना. मिलते हैं एक नए vlog पे भाई. Our eyes are not literally opening because इतने थके हुए हैं हम लोग. It was bumpy day. It was quite exceptionally bumpy day, but you know, इन लोगों के चेहरे पे smile आने के लिए you know करना पड़ता है. ऐसे चेहरे पे जब खुशी मिलती है, तो you know it you know kind of evaporates all the tiredness automatically. तो चलो भाई अपना ख्याल रखना. मिलते हैं एक नए vlog पे. और अगर चैनल पे नए हो, consider subscribing. अगर चैनल पसंद आ रहा है, तो it's Adios from Meru and Sylvia and Mamo. Dobranos, Mamo. Dobrano. Pa. Pa. Tatush. Hey. Chalo bhai. Okay ji. Bye bye. Alvida. Alvida. Oof. Bhi alvida na kehna. Okay, dobranoc. Dobranoc.